अगर मेरी शादी आपसे हो रही होती तो अगर आप इस शेरवानी में होते तो हम दोनों इतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, लेकिन शादी तुम्हारी नहीं, मेरी होने वाली है अभी से। एग्जाम्पल दे रही है, तुम नाराज क्यों हो? कंटिन्यू कंटिन्यू, हो गया। ओके, मैं बताता हूँ। तो अगर हमारी शादी हो रही होती तो तुम मुझे कैसे शेरवानी में देखना पसंद करोगी? मेरा मतलब तुम जो बोलोगी ना, ये डिजाइनर बना लेगा, है ना? नहीं नहीं, इन्हें तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो शेरवानी तो आपके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी है मतलब? मतलब मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। यही है वो शेरवानी जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे लगते, क्योंकि इसी शेरवानी में आप मुझे इस घर में लाने आए थे अपनी अपनी दुल्हन बना के। पर शायद दुल्हन बनना और पत्नी बनना तो अलग अलग बातें होती। मैं उस दिन दुल्हन तो बन गई, पर पत्नी बनने का सुख आज तक। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद अब भी है कि जैसे आपने मुझे मुझे अपना सबसे खास दोस्त बनाया है, बहुत जल्द अपनी पत्नी भी बना ली। जिस शेरवानी को पहन के आपने मुझसे रिश्ता जोड़ा था, क्या पता उसी शेरवानी को पहन के आपको हमारा रिश्ता याद आ। बेटा नीचे कौन आया है? बेटा ये शेरवानी वही है ना जो अभी ने अपनी शादी के वक्त। हाँ दादी, वही शेरवानी। इस शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। काश एक बार फिर मैं तुम दोनों को शादी के जोड़े में देख पाऊँ। शादी के जोड़े का पता नहीं दादी, लेकिन आप मायूस मत होइए ना दादी, आप हमें पति पत्नी बनते हुए जरूर देखेंगे। पर बेटा ये तो तभी हो सकता है ना जब अभी की यादाश्त वापस आ जाएगी। उसी की कोशिश कर रही हूँ, शेरवानी उनके सामने लेकर जा रही हूँ, हो सकता है इसे देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए। हो सकता है। और फिर बेटा जहाँ इतना कुछ किया वहाँ ये भी करके देख ले। जा, शाबाश, पहना दे उसे। कभी कभी कोई अनजान मोड़ भी आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा देता है। आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू दादी। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी